तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वोटर आईडी में किस तरीके से हम सुधार करवाएंगे, करेक्शन करवाएंगे। जैसे नाम हो गया, लिंग हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, पिक्चर हो गया, ईपीआईसी हो गया, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो आप ऑनलाइन ही अपने वोटर आईडी में सुधार करवा सकते हैं, क्योंकि हमें आए दिन वोटर कार्ड की ज़रूरत पड़ती रहती है और ऐसे में हमारा नाम या कुछ भी गलत रहता है तो वहाँ रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आज आपको बताने वाला हूँ डिटेल से कि किस तरीके से आप अपने वोटर कार्ड में मोबाइल से घर बैठे किस तरीके से आप सुधार करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरे तो खून में है, टाइटेनियम है, आप ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा और आप चाहे तो कर भी सकते हैं। प्ले स्टोरी से वोटर हेल्पलाइन आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप पहले से डाउनलोड किए हुए हैं तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहां से इसको ओपन कर लेंगे। आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस नज़र आता है। अब इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि आई एग्री पर ओके करके यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। अब अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे या स्किप लॉगिन पर करके बिना लॉगिन किए इस पे आप अपना वर्क कर सकते हैं, मतलब अपना वोटर आईडी करेक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली फॉर्म पर क्लिक करना पड़ेगा। फॉर्म पर क्लिक करते ही यहाँ पर देख रहे हैं कि करेक्शन ऑफ इंटायर फॉर्म एट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका अपना नाम बोल रहा है डालने के, तो नाम डाल के ओके करेंगे। तो यहाँ मैंने नाम डाल दिया है। नाम डाल के यहाँ पर मैं ओके करूँगा। ओके करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ लेट्स स्टार्ट पर ओके करेंगे। यहाँ बोला है कि ऑलरेडी हैव यू वोटर आईडी, क्या आपके पास पहले से वोटर आईडी है? तो है, हम करेक्शन करवा रहे हैं, तो इसीलिए सिंपली यस करके हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अपना वोटर आईडी का नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे फेच डिटेल पर ओके करना है। चलिए मैं अपना वोटर आईडी का जो भी नंबर है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डिटेल पर ओके करेंगे। ओके करते यहाँ पे आपका फेच हो चुका है। सिंपली प्रोसीड वाले पर हम ओके करेंगे। ओके करते ही आपके पूरा बायोडाटा आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है और आपका पूरा डिटेल जो भी नाम वगैरह है और जो भी डेट ऑफ बर्थ है कि कौन सा आपका विधानसभा क्षेत्र है, असेंबली है, पोलिंग स्टेशन क्या है, वो पूरा कुछ मिल जाता है। सिंपली आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब का आप जो करेक्शन करवाना चाहते हैं फॉर्म में, क्या करेक्शन कराना चाहते हैं, जैसे नेम करेक्शन कराना चाहते हैं, माई फोटोग्राफी या ईपीआईसी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज, नेम ऑफ रिलेटिव, मतलब पेरेंट रिलेटिव के नेम जो है माता पिता हस्बैंड उसका चेंज करवाना चाहते हैं, या टाइप ऑफ रीजन कोई और रीजन है, या जेंडर वगैरह चेंज करवाना चाहते हैं, तो इसमें से जो भी चेंज कराना चाहते हैं उस पर आपको टिक मार्क करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना चाहता हूँ, सिंपली मैं टिक डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करूँगा। डेट ऑफ बर्थ टिक करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। इसके बाद एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ में प्रूफ के लिए क्या देना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट आपको इसमें से चूज कर लेना है। जैसे आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट हो गया 10 का 5 क्लास, 10 to 8 और 5 क्लास का, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बीपीएन सर्टिफिकेट, तो जो भी आप देना चाहते हैं इसमें से आपको चूज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ आधार कार्ड मैंने चूज कर लिया। इसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर इसमें टाइपिंग करना है और जहाँ भी आपका आधार कार्ड है अपलोड करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको पहले आधार कार्ड का नंबर टाइपिंग कर देता हूँ। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद यहाँ अपलोड वाले पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद परमिशन मांग रहा है, अलाव करेंगे। इसके बाद आपका जहाँ भी आधार कार्ड है वहाँ से चूज करके अपलोड कर लेंगे। आधार कार्ड के नंबर डालने के बाद और इसके बाद आधार कार्ड अपलोड करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि एप्लीकेंट जो जिसका फॉर्म है उसका नाम यहाँ बोला डालने के लिए। सिंपली जो भी नाम है वहाँ पे यहाँ पे नाम टाइपिंग कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पर नाम टाइपिंग कर देता हूँ। इसके बाद सिंपली आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लेस है, मतलब जगह का नाम डाल देना है। सिंपली प्लेस जगह का नाम डालने के बाद सिंपली यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर जाके हम डन कर देंगे। डन पे ओके करते ही आपके सामने यहाँ पूरा बायोडाटा ओपन होके आ जाता है जो भी आपने फिलअप किया है। इसमें से आप देख लीजिए, अगर कुछ गलत है सिंपली बैक जाके इसको सही कर सकते हैं। अगर लग रहा है सब कुछ सही है सिंपली यहाँ कन्फर्म है लिखा हुआ, इस पर ओके करेंगे। ओके करते ही आपका यह फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और आपको एक रेफरेंस नंबर दे देता है। इस रेफरेंस नंबर से आप अपने जो एप्लीकेशन है उसको ट्रैक करके देख सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका स्थिति क्या है।
अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका एक रेफरेंस आईडी भी आपको दे दिया है। तो इस रेफरेंस आईडी को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इस रेफरेंस आईडी से ही अपना जो स्टेटस है उसको चेक कर पाइएगा। चलिए मैं बता देता हूँ कि अपने जो स्टेटस है इस रेफरेंस आईडी से कैसे चेक करेंगे स्टेटस। तो इसके लिए हमको फर्स्ट वाले पेज पर जाना पड़ेगा। स्टेटस चेक करने के लिए नीचे देख रहे हैं कि एक्सप्लोर है, इस पर आपको ओके कर देना है। ओके करते यहाँ देख रहे हैं नीचे बीच में जो देख रहे हैं स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, आपको इस पर ओके करना है। ओके करते ही आपके पास जो रेफरेंस आईडी मिला है आपको इस रेफरेंस आईडी इसमें डाल के स्टेटस ट्रैक स्टेटस पर ओके कर देंगे तो आपको नीचे पूरा बायोडाटा आ जाएगा। या आप देख रहे हैं कि एप्लीकेंट अप्लाइड फॉर्म, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और जितना भी आप जो किए रहेंगे अप्लाई उसमें टोटल आ जाता है। तो सिंपली यहाँ अप्लाइड वाले फॉर्म पर हम ओके करेंगे। अब यहाँ देखिए जैसे मैं अप्लाइड स्टेटस पर ओके किया हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, ये बीएलओ के पास जाएगा, इसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी होना होगा वो हो जाएगा। जैसे आपका जो एक्सेप्ट हो जाता है तो बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर 3 महीने का टाइम लगता है, 3 महीने में बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर आ जाता है। या अगर बाय द वे आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसको आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाके इसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से हम वोटर कार्ड में कोई भी करेक्शन कोई भी सुधार करवा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।